हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला नो कहते हैं, इन्ना रजुलन मिन असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकिया रजुलन मिन अल जिन्न। फरमा एक जिन से एक सहाबी की मुलाकात हुई। अब जिन ताकत में बहुत ज्यादा होता है, जिन की और एक सहाबी की, नाम नहीं लिया। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला ने हदीस बयान करते हुए बाद में पता चला कि वो कौन है जिनका तज़किरा हो रहा। एक सहाबी और एक जिन की मुलाकात हुई, दोनों पे लफ्ज रजुल बोला गया, जिस तरह के कुरान में भी जिन्नों पर भी रजुल का लफ्ज बोला गया, सूरह जिन में रिजाल मिनल जिन, और इधर इंसानों पर भी रजुल का लफ्ज बोला जाता है। तो इन दोनों की मुलाकात हुई, तो कुश्ती का प्रोग्राम बन गया। फसाराहू फसाराहुल इंसी, जब एक दूसरे को चैलेंज हुआ, उन्होंने आपस में कुश्ती करने का प्रोग्राम बनाया, तो कुश्ती में नतीजा क्या निकला, वो सहाबी गालिब आ गए उस जिन पर कुश्ती में और जिन को गिरा दिया। हालांकि जिन्नों की ताकत और वादियां पलट देना और उनके लिए मुख्तलिफ जो जिन्नों के अहकाम शरीयत में लिखे हुए हैं, वो अहादीस के अंदर उनकी ताकत कसीर ताकत बयान की गई है, लेकिन इस मकाम पर अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि उस इंसी ने जिन्नी को गिरा दिया कि इंसानों का जो नुमाइंदा था जिन्नों के उस पहलवान पर गालिब आ गया, इतना बड़ा इंसानी पहलवान था। फकाल लहुल जिन्नी, तो फैसला नहीं माना जिन ने, उसने कहा तुमने मुझे गिरा तो दिया लेकिन कोई फ्रॉड हो गया, दोबारा कुश्ती होगी फिर नतीजा निकलेगा। फकाल लहुल जिन्नी आविद, दोबारा मेरे साथ कुश्ती करो ताकि पता चले कि हकीकत में बहादुर कौन है। फावादा हूं, तो इनसी ने कहा कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं, कुश्ती दोबारा शुरू हो गई। फसारा उदन, दूसरी बार भी वो इनसी जिन्नी पे गालिब आ गया, इंसानों का जो पहलवान था जिन्नों के पहलवान को उसने गिरा दिया। कहते हैं फकाल अलहुल इनसी, अब वो जिन मबहूत है, दो मरतबा गिर चुका है, और इससे पता चला कि आम जिन नहीं था, जिन्नों में उसे अपना ऊपर घमंड बड़ा था कि खुद ही कुछ वो चैलेंज भी कर रहा था कुश्ती के, और दोबारा भी उसको ये था कि मैं गिरा लूंगा, लेकिन दोबारा भी गिर गया। अब इनसी ने जिन्नी से गुफ्तगू की, उस इंसान ने कहा इन्नी ला अरा का दईफा सखीफा का अन्ना जराई का जरा कलबिन, तुम तो कमजोर से जिन हो, ये तुम्हारी कलाइयां तो कुत्तों जैसी हैं, जिन तो बड़े ताकतवर होते हैं और तुम्हारी छोटी छोटी कलाइयां हैं। अफा कजा ले कान तुम माशरल जिन अम अंत मिनहुम कजा, इनसी ने कहा सारे जिन इस तरह के होते हैं या तुम्हारी ये सूरत हार एक मरियल से तुम नजर आ रहे हो, या सारे जिन इस तरह के होते हैं। जिस वक्त ये इनसी ने कहा, जो इंसानों का नुमाइंदा था, तो जिन कहने लगा वल्लाही इन्नी मिनहुम ला दलीउन, मैं तो जिन्नों में से बड़ा सेहतमंद जिन हूं, आप मुझे कमजोर सा जिन करार दे रहे, मैं तो बड़ा मजबूत आसाब वाला जिन हूं और मेरी बड़ी ताकत है। सुम्मा काला आविदनी सालिसा, फिर उसने कहा बाओ फिर कुश्ती करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। अब तीसरी बार जब उसने दावत दी कुश्ती की, तो साथ ये कहा, एक इल्मी लालच भी दिया, क्योंकि दो बार तो कुश्ती हो चुकी थी, उसे यह था कि शायद ये आप कुश्ती के लिए तैयार ना हो, उसने कहा अगर तुम तीसरी बार भी मुझे गिरा लोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा कीमती वजीफा अता करूंगा, इस बहादुरी पर जो तुम तीन बार मुझे गिरा जाओगे, तीसरी बार भी मुझे बिछाड़ दोगे, तो मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा बड़ा कीमती, जो तुम्हारे लिए बड़ा मुफीद होगा। कहने लगा फइन सरातनी अल्लमतुका शैयन यनफउका, मैं ऐसी चीज तुम्हें दूंगा जो तुम्हें फायदा देगी। फआवदहू, तो इनसी मान गया, उसने कहा चलो ठीक है तीसरी मरतबा भी कुश्ती कर लेते हैं। फसराहू, तीसरी मरतबा भी उस इंसान ने जिन को नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद का हाथ अल्लिमनी, अब मुझे वो इल्म सिखाओ जो तुम कहते थे, तुमने कहा था तीसरी मरतबा गिराओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक खास चीज खास नुस्खा तुम्हें दूंगा, वो मुझे दो, क्या तुम्हारे पास है। तो जिन ने कहा हल तकरो आयतल कुर्सी, क्या तुम आयतल कुर्सी पढ़ते हो। जिन ने इंसान से कहा, चूंकि जिन्नों की ये मालूमात है, हर चीज को
जो उसके लिए खतरे की बात हो उस पर उसे इत्तला होती है। जिन्होंने अपनी नस्लों को पढ़ाया हुआ है कि आयतुल कुर्सी से बच के रहना, कि ये जहां पढ़ी जाती है वहां इसकी बड़ी बरकत होती है, तो उसने जिन ने कहा इंसान से, हल तक रहो आयतुल कुर्सी, क्या तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते हो? कहते हैं कुल तो नाम। इंसान ने कहा हां मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूं। तो फिर जिन ने कहा फइन्नका ला तकरउहा फी बैतिन इल्ला खरजा मिनहु शैतान, याद रखो जिस घर में ये पढ़ी जाए उससे शैतान भाग जाता है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। ये पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ से भी ये मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जिस वक्त सदके की खजूरों की रखवाली का मामला था और हजरत बिलाल रदी अल्लाह तला एक चोर को पकड़ रहे थे और वो तीसरे दिन पकड़ा गया, तो उसने कहा छोड़ दो मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो तुम्हारा माल महफूज रहेगा। वो भी शैतान था, जिन था, जो ये नुस्खा बता रहा था। और आज भी ये हदीस में जो जिक्र है ये भी जिन है और कहता है कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो क्या होगा। अब जिन पे भारी है आयतुल कुर्सी, उन्हें पता है कि जिन घरों में आयतुल कुर्सी पड़ी होती है तो हमारा हशर क्या होता है। तो शैतान कहने लगा फइन्ना कला तकरउहा फी बैतिन इल्ला खरजा मिनहु शैतान सुम्मा ला यदखुलहु हत्ता युस्बिहा। यह आयतुल कुर्सी ऐसी चीज है कि जिस घर में पड़ी जाए शैतान भागता है, और यूं भागता है कि सुबह तक फिर दाखिल नहीं हो सकता, फिर दूर ही रहता है। तो यह पढ़ लिया करो। अब खुद शैतान है और अपने खिलाफ ही नुस्खा भी दे रहा है, खुद भी शैतान है और साथ दरसे कुरान भी दे रहा है, साथ पढ़ा भी रहा है, अपने ही खिलाफ वो तबलीग भी कर रहा है। इस तरह भी के मुबल्लिग हो सकते हैं। वो सूरत हाल उसको सामना है, वो तीन बार बिछाड़े जाने के बाद अब नुस्खे में उसने आयतुल कुर्सी बताई और आयतुल कुर्सी के लिहाज से ये बताया कि जब ये घर में पड़ी जाए तो शैतान भागता है और फिर उस रात वापस नहीं आता सुबह तक। बंदा चैन से शैतान के हमलों और साजिशों के बगैर अपनी रात बसर कर लेता है। फकाल रजुल मिन अल कौम, अब ये तकरीर कर रहे थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों के अंदर इंसी और जिन्नी की कुश्ती और ये तीन बार ऐसा होना और तीन बार उस इंसान का जिन पे गालिब आ जाना। चूंकि रजुल के लफ्ज से बयान किया था कि इन्ना रजुला मिन असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक सहाबी उन्होंने ऐसा किया, तो कौम ने पूछ लिया बताओ सो सही मन जालिकर रजुल या अबा अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला बिन मसूद ये बताओ कि ये कौन सा सहाबी, कौन से सहाबी थे कि जो जिन पे गालिब आए और तीन मर्तबा कुश्ती में उन्होंने जिन को शिकस्त दी, ये कौन है? तो इस जवाब के अंदर उन्होंने कहा मैं यकूनु इल्ला उमर बिनुल खत्ताब, सिवाय उमर के कौन हो सकता है? ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनकी हैबत है जिन्नों पर और जो पहलवानी में जिन्नों पर भी गालिब है और इस अंदाज में रब्बे जुल जलाल ने उनको सलाहियत दी है। अब ये एक है आम शख्स का इस्लाम कबूल करना, एक है हजरत उमर का इस्लाम कबूल करना। अब कलमा तो दोनों ने एक ही पढ़ा है लेकिन इस तब शरा अहलुस समाए बे इस्लाम उमर, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर का कलमा पढ़ना इसे देखकर आसमां वालों ने भी जश्न मनाया है। सिर्फ जमीन वालों ने नहीं, आसमां वालों ने भी, सिर्फ दारे अरकम वालों ने नारा नहीं लगाया, आसमां वालों ने भी जश्न मनाया है। इस वास्ते कि उमर फारूक अपनी जैसी सलाहियत लेके इस्लाम के पलड़े में आए हैं, रब ने नवाजशात भी फिर उतनी की है। वो जुर्रत और शुजात जिसका पहले किबला दुरुस्त नहीं था, अब उसका किबला दुरुस्त हुआ और फिर उस जुर्रत को परवान चढ़ाया गया और फिर ऐसी मिसाली जुर्रत और ऐसी मिसाली हैबत के नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस मकाम पर पहुंचाया। और ये बातें हम बयान करते हुए नामूस रिसालत और ज़ात रसूल अलैहि सलाम की जो अजमतें हैं उनको यूं बयान कर सकते हैं कि ये शान है खिदमतगारों की, सिरदार का आलम क्या होगा कि जिनके गुलामों की इतनी ताकत है
जिनकी गुलामों की ऐसी हैबत है, तो आका का मर्तबा मकाम कितना ऊंचा और बुलंद होगा।